Hello students, in the last lecture we were discussing about direction ratios and direction cosines of a line or a vector. In this lecture we will discuss a new topic, direction ratios and direction cosines of a line joining two points. In the last of the lecture we will solve some questions on direction ratios and direction cosines. So let's start. तो सबसे पहले अपन जो लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था उसका क्विक रिविजन कर लेते हैं, रिकैप. डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन रेशियोज को क्या रीड करेंगे? डी आरस. ये क्या हो जाएगा? डी सीज. ओके, जो डी आरस होते थे इसको स्मॉल ए बी सी इसे रिप्रेजेंट करते थे और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? एल एम एन. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, जैसे किसी लाइन के लिए, किसी लाइन और किसी वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होते थे वो क्या कैसे होते थे? यूनिक होते थे. और ये कैसे होते थे? यूनिक नहीं होते थे, नॉट यूनिक. कोई दिक्कत नहीं. तो डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को क्या बताया था? स्मॉल एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी लाइन या किसी वेक्टर के लिए ये क्या होते हैं? यूनिक. और ये यूनिक नहीं होते. ये क्या बताया था? कोई भी तीन नंबर, ठीक है, कोई भी तीन नंबर जो डीसीज का यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होते थे उनको क्या बोलते थे? डायरेक्शन रेशियोज बोलते थे. यानी कि कोई भी तीन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, एनी थ्री नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. यानी कि ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम एंड सी इज इक्वल टू लैम्डा एन. ये होता था लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो. कोई भी तीन नंबर जो डीसीज का मल्टीपल होते थे उनको क्या बोलते थे? डायरेक्शन रेशियोज बोलते थे. सिंपल, कोई भी मल्टीपल डायरेक्शन कोसाइंस का उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे. इसमें कोई तकलीफ नहीं. अच्छा, यहां पर जो ये होता था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रिजल्ट था. ये क्या बताया था आपको याद रखने के लिए? बताया था वन. अच्छा, यहां पर जो एल होता था, एल क्या होता था? कोस अल्फा. और m क्या बताया था? कोस बीटा. और n क्या बताया था? कोस गामा बताया था. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अल्फा बीटा गामा ये क्या थे? एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. अल्फा x एक्सिस के साथ, बीटा y एक्सिस के साथ और गामा z एक्सिस के साथ. तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन. ये रिजल्ट आ गया किसी लाइन या किसी वेक्टर के लिए. ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? वन. यदि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूं ये क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा. और ये क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन. इस वन से ये वन कैंसिल. अच्छा, वन प्लस वन ये तो हो गया टू. इसको 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 आरएचएस में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. इसका वैल्यू कितना आया? टू. मान लो इसको प्रूव करने के लिए बोल दो तो यहां से स्टार्ट करना. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कितना होता है? वन. एल कोस अल्फा, एम क्या होता है? कोस बीटा. एन क्या होता है? कोस गामा. तो ये क्या हो गया? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन. यहां तक आ गया. अच्छा, यदि आपके पास एबीसी गिवन है, यानी कि एबीसी क्या है? गिवन. तो एलएमएन कैसे निकालते थे? एल कैसे कैलकुलेट करते थे? एल कैलकुलेट करते थे. अच्छा, इसको बोल दिया पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, चलो ये मान लो थर्ड पॉइंट है, जो भी है. यदि एबीसी गिवन है तो एल का वैल्यू कैसे निकालते थे? प्लस माइनस ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम कैसे निकालते थे? एम होता था आपका प्लस माइनस बी अपॉन रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन कैसे निकालते थे, एन होता था प्लस माइनस सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा जैसे यहां पर ये वाली लाइन है, इसकी तो दो डायरेक्शन होगी, एक तो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये रिवर्स डायरेक्शन। मैंने क्या बताया था, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसके लिए जो डायरेक्शन कोसाइन थे वो क्या होते थे एलिमेंट, और रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है, तो लाइन के लिए दो डायरेक्शन आएगी, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये वाली रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस ले लेंगे, तीन हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस, तो एलिमेंट हो जाएगा। यदि माइनस 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 लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो बुक में या तो इस फॉर्मेट में आंसर होगा प्लस एलिमेंट, या इस वाले फॉर्मेट में आंसर होगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। और क्या डिफरेंस था? अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया, जैसे कोई भी यूनिट वेक्टर ले लिया, कोई भी यूनिट वेक्टर ले लिया, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, यूनिट वेक्टर ले लिया कोई भी एन कैप, इसके जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे यानी कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। इधर कोई भी वेक्टर ले हो, ए वेक्टर, इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगा ये। अच्छा तो डीसीज इसके अंदर यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डीसीज होते हैं। इसको लिख लेते हैं, इन एनी यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट आर द डीसीज, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा इन एनी यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, क्यों यूनिट वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए ही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन होता है। तो मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट होते हैं यानी कि डीसीज होते हैं वो क्या होते हैं यूनिक होते हैं, उसके लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए वन। वन तभी आ सकते हैं जब यूनिट वेक्टर हो, यानी कि यूनिट वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे डीसीज होंगे। क्लियर है? अच्छा इन एनी वेक्टर स्केलर कंपोनेंट आर द डायरेक्शन रेशियोस, यानी कि किसी भी वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोस हो जाएंगे। सिंपल है, कोई भी वेक्टर लिया उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोस बोल देंगे। और यदि ये यूनिट वेक्टर बन जाए तो यूनिट वेक्टर के केस के अंदर जो इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो किसी भी वेक्टर के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सिंपल है, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन को लेके कोई मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है। इसको स्मॉल एबीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैपिटल एलिमेंट से सॉरी स्मॉल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, या कोई भी तीन नंबर जो डीसीज का मल्टीपल होते हैं उसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। एल क्या होता है इसमें कोस अल्फा, एम क्या होता है कोस बीटा, एन क्या होता है कोस गामा। इसके लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है वन। यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं डीसीज होते हैं। आई थिंक ओवर एक्सप्लेन हो रहे हैं, चलो आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये अपना टॉपिक है। अच्छा जैसे मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाला z एक्सिस। अच्छा
जैसे मान लो कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन दे रखी, इसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए, एक पी और इसको बोला क्यू, तो अगेन लाइन की दो डायरेक्शन होगी, एक तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक ये वाली रिवर्स डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से केवल मैं ये वाली डायरेक्शन कंसिडर करूंगा। अच्छा, एक इसके पैरेलल, इसके पैरेलल वेक्टर ले लिया या इसके पैरेलल लाइन ले ली, है ना, इस लाइन के पैरेलल मान लो ये वाली लाइन आ गई इस टाइप से, ये आ गई। मान लो जो ये लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, अल्फा, और ये वाला एंगल कितना आएगा बीटा, और ये वाला एंगल कितना आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, ये वाला एंगल मान लो गामा आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अपने को पता है जो पैरेलल लाइन होती है, यानी कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए जो डीसीज है एंड डीआर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। पैरेलल लाइन के लिए जो डीसीज है, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये वाला कंसेप्ट यूज में लेंगे अपन। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट कितना था आपके पास, ये था x1 y1 z1, ये पॉइंट क्या था आपके पास x2 y2 z2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको बोल दिया कि तुम mno, क्या बोल दिया, तुम mno। अच्छा, जो ये वेक्टर आएगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, ये कैसे वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर, यानी कि यहां से जो mn वेक्टर आएगा, mn वेक्टर और pq वेक्टर दोनों बराबर आएंगे। तो डायग्राम के हिसाब से जो mn वेक्टर आएगा, mn वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट बताया था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये बताया था। अच्छा, मेरे को निकालने डीसीज, मेरे को क्या निकालने, डीसीज, डीसीज तभी निकलेंगे जब ये यूनिट वेक्टर बन जाए। मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही डीसीज होते हैं। तो क्या करो आप, इसको यूनिट वेक्टर बना लो। ये यूनिट वेक्टर कब बनेगा, जब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा mn, mn और pq बराबर है, यानी कि यदि मैं इसको यूनिट वेक्टर बना लूं, यानी कि क्या हो जाएगा, mn कैप, mn कैप कैसे आएगा, mn वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ mn, यानी कि mn वेक्टर अपॉन इसको क्या लिख लिया pq, ये क्या लिख लिया pq। तो mn वेक्टर क्या आएगा, mn वेक्टर या mn कैप, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिंपल mn कैप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यहां तक आ गया। इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, यानी कि पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, pq से डिवाइड कर दिया। अब देखो, ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर बन गया, ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। वापिस देखो, ये लाइन थी आपके पास, इसके ऊपर दो पॉइंट थे, अपने को क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वेक्टर निकाला पी क्यू वेक्टर या एम एन वेक्टर, दोनों बराबर आए, तो एम एन वेक्टर ये आ गया, तो एम एन वेक्टर आ गया, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, एम एन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, इसको पी क्यू से डिवाइड कर दिया। अब एम एन कैप आ गया, यानी कि ये यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते थे वही डीसीज होते थे, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एम के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल जो डीसीज आए, डीसीज क्या आ गए आपके, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू कोमा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू, और ये क्या आ गया, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू, ये तो हो गया डीसीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता था, किसी भी वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते थे वही डायरेक्शन रेशियोज होते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, वो आएगा आपका, देखो ये वेक्टर है एम एन वेक्टर,
इसके स्केलर कंपोनेंट यानी कि x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1। चलो ये हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आ गए आपके डायरेक्शन रेशियोस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ये इस डायरेक्शन में आए, इस वाली डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो यदि किसी लाइन है ना, कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये तो इस वाली डायरेक्शन के लिए हो गए, मान लो इस वाली डायरेक्शन के लिए चाहिए, तो इस वाली डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। प्लस तो अपन ने इस वाली डायरेक्शन के लिए कंसिडर किया, माइनस के लिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो अपन सिंपल देखो, बुक के अंदर आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन के लिए अपने आप ही। इन जनरल, इन जनरल क्या होगा, मतलब इस वाली डायरेक्शन के लिए तो यहां पर प्लस 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 आ जाएगा, और इस वाली डायरेक्शन के लिए, रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। यानी कि अपन यहां पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस इस वाली डायरेक्शन के लिए और माइनस रिवर्स वाली डायरेक्शन के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ओके। अब इसमें एक आधा नोट लिख लेते हैं, नोट क्या, चलो इसमें एक क्वेश्चन कर लो, इसमें एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन है, ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स, ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स 6, 7, -1 and -2, 3, 1। ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स 6, 7, -1 and -2, 3, 1। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स। ये फाइंड करने, तो सॉल्यूशन मतलब ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास कर दिया, इसको बोल दिया 6, 7, -1 और इसको बोल दिया -2, 3, 1। दो पॉइंट आ गए, ये दो पॉइंट से पास कर दिया, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज बताने, डायरेक्शन कोसाइन्स बताने। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो PQ वेक्टर आएगा, PQ वेक्टर निकाल लो एक बार, PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि -2, -6। आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3, -7, ये हो गया आपका j कैप, प्लस 1, -1 और ये आ गया आपका k कैप, यानी कि -8 i कैप, -4 j कैप और ये हो गया आपका +2 k कैप। ये आ गया PQ वेक्टर। अच्छा इसका जो लेंथ आएगा यानी कि PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस -4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा +4। ये आपका कितना हो गया, ये आपका आ गया 84, ये कितना हो गया 84 को क्या लिख लिया, 21 into 4। ये आ गया 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि 2√21। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आंसर देते हैं ना, जो डीसीज आया फाइनली, जो डीसीज आएंगे है ना, डीसीज क्या होगा, ये उससे पहले डीआरस निकालो। डीआरस क्या हो जाएंगे, वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट, तो ये कितना आया -8, -4 और 2। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या देखो ये तो मल्टीपल होते हैं, ये किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है क्या, इसको -2 से डिवाइड कर लो, -2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे बोल सकते हैं -2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो, डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होते हैं, जो डीसीज है उसका मल्टीपल होते हैं, तो इसको है ना -2 से डिवाइड करो, -2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4, 2, -1। ये आ गया, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं आंसर, ऐसे भी दे सकते हैं, या कुछ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यूनिक तो होते नहीं डायरेक्शन रेशियोज, यूनिक तो होते नहीं,
ठीक है, यदि बुक के अंदर ये आंसर है तो देख लेना, ये आंसर है तो ये देख लेना। अच्छा जो डीसीज आएंगे, डीसीज आएंगे, डीसीज इसके हिसाब से क्या आएंगे? अच्छा तो चलो एक काम करो, माइनस यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर जो पी क्यू कैप आएगा, पी क्यू कैप क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि माइनस एट आई कैप माइनस फोर जे कैप और प्लस का टू के कैप अपॉन पी क्यू, पी क्यू कितना है आपका टू रूट 21, यानी कि माइनस एट अपॉन टू रूट 21 आई कैप माइनस फोर अपॉन टू रूट 21 जे कैप और आपका कितना है प्लस टू अपॉन टू रूट 21 के कैप, ये क्या आ गया आपका पी क्यू कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो यूनिट वेक्टर बना लिया इसको। अच्छा डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, कैसे आया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके अब जो ये यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर के अंदर चलो इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, पी क्यू कैप ये आ गया आपका माइनस फोर अपॉन रूट 21 आई कैप, ये हो गया आपका माइनस टू अपॉन रूट 21 जे कैप और ये हो गया आपका प्लस वन अपॉन रूट 21 के कैप। लाइन के लिए बात कर रहे अपन। अच्छा तो जो डीसीज है, डीसीज डीसीज देख लेना, डीसीज तो यूनिक होते हैं, ये तो आएगा माइनस फोर अपॉन रूट 21 माइनस टू अपॉन रूट 21 और वन अपॉन रूट 21, या तो ये आएगा आंसर, या यदि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करिए तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो इन पे तो कितना हो गया फोर अपॉन रूट 21 और ये हो जाएगा टू अपॉन रूट 21 और ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन रूट 21, या तो बुक में आपके आपको ये आंसर मिलेगा या ये आंसर मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि लाइन के केस में दो डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ये तो आगे फॉरवर्ड और ये वाली रिवर्स, इसमें आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो बुक में ये आंसर है तो ये हो जाएगा जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या इस फॉर्म में आंसर होगा। क्लियर है? तो ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास कर रही थी, तो डायरेक्शन रेशियोज बताना था, डायरेक्शन कोसाइंस बताना था। क्लियर है? डायरेक्शन रेशियोज या तो ये होगा या ये होगा, जो भी होगा, है ना। अब चलते हैं इसके ऊपर एक नोट लिख लेते हैं, इसके ऊपर एक नोट लिख लेते हैं। जैसे मान लो आपको तीन पॉइंट को लीनियर प्रूव करने, नोट थ्री पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ लाइन जॉइनिंग, इफ ऐसे लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन फॉर्मिंग बाय द पॉइंट्स वन फ्रॉम अमंग प्रीवियस टू पॉइंट्स टू रिमेनिंग पॉइंट। देखो ऐसी लैंग्वेज है, इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो तीन पॉइंट्स है, थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन फॉर्मिंग बाय द पॉइंट्स वन फ्रॉम अमंग प्रीवियस टू पॉइंट्स टू रिमेनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम वन फ्रॉम अमंग प्रीवियस टू पॉइंट्स टू रिमेनिंग पॉइंट। अच्छा जैसे मान लो ये ए बी सी, ठीक है, ये आपको कोलिनियर प्रूव करने, ये आपको कोलिनियर प्रूव करने, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, मान लो ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, जो ये लाइन आएगी ए बी लाइन आएगी, है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो से निकाल लिए। अब इन दोनों में से एक पॉइंट ले लिया, मान लो बी ले लिया, ठीक है,
तो इस इन दोनों में से एक पॉइंट लेना और जो रिमेनिंग पॉइंट है ठीक है वो लेना है। तो यानी कि क्या हो गया बीसी, जो ये लाइन आएगी बीसी उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। क्या बताया, तीनों में से पहले कोई भी दो पॉइंट से एक लाइन निकाल लो। मान लो ए बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी से जो लाइन आएगी इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब इन दोनों में से एक पॉइंट लिया और जो रिमेनिंग पॉइंट है, तो मान लो इन दोनों में से मैंने बी पॉइंट लिया और रिमेनिंग पॉइंट क्या हो गया सी, तो बी सी लाइन आ गई, उसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अच्छा, यदि ये डायरेक्शन रेशियोज है ना एक दूसरे के क्या हुए, प्रोपोर्शनल हुए, तो अपन क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सो चलो यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन। सो यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज दैट पॉइंट्स 1-2, 3, 2-3-4 and 0-7, 10 are collinear। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। चलो हटा दे इसको। तो जैसे इसको बोल दिया कि बेटा तुम, इसको बोल दिया ए सॉल्यूशन, मतलब ए पॉइंट है अपने पास 1-2, 3 और बी पॉइंट हो जाएगा अपने पास 2-3-4, डी पॉइंट अपने पास हो जाएगा 0-7 और ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी सी पॉइंट, ये आ गया। चलो ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर प्रूव करने। अच्छा, ये तो अपन ने डायरेक्शन रेशियो से बताया था, जो नोट लिखवाया था, डायरेक्शन कोसाइन से भी सेम कंसेप्ट रहेगा। अच्छा, इसमें देखो आप, जैसे जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन आएगी ठीक है, फॉर लाइन ए बी, इसके लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बताओ ए बी के लिए। ये हो जाएगा x2-x1 यानी कि 2-1, ये हो जाएगा 3-2 और ये हो जाएगा -4-3, यानी कि ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा माइनस का 7। फोर लाइन मान लो ये हो गया आपका BC। इसके लिए जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, इसके उसके 0-2, -7, -3 और ये हो जाएगा 10-4। तो ये कितना हो गया -2 और ये हो गया माइनस का 10 और ये हो गया आपका 14। यदि इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यदि मैं इसमें, मतलब ये क्या हो रहा, मतलब जो BC के जो डायरेक्शन रेशियो आए वो क्या है, इसका मल्टीपल है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है किसके, AB के, उसका मल्टीपल है, मतलब -2 से मल्टीप्लाई करो तो इसके ये आ जाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी, ये आ गया। एंड जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ लाइन, मतलब जैसे ये पैरेलल लाइन के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज है वो बराबर आते हैं। मतलब जैसे ये लाइन आई आपकी, मान लो ऐसे आया, ये ए बी हो गया, ए बी जो लाइन आई, और बी सी ऐसे होगी, मान लो ये बी और ये मान लो सी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आने का मतलब क्या है, ये और ये पैरेलल होगी, पैरेलल तो कोई बात नहीं, अपने को तो कोलिनियर प्रूव करना। बट जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट तो कॉमन है, तो ये तभी, मतलब ये पॉइंट कॉमन तभी हो सकता है, मतलब जब ये वाला केस हो, ए बी सी, यानी कि तीनों एक ही लाइन के अंदर हो। तो यहां से तो क्या पता चला, इतने वाले से है ना, इतने से क्या पता चला अपने को, कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ गए,
डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ गए, इसका मतलब जो ए बी लाइन आएगी और बी सी लाइन आएगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, बट अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और जो पॉइंट बी है वो क्या है, कॉमन टू बोथ लाइन, ठीक है, ए बी और बी सी दोनों लाइन में कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं।